हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरॉन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एरॉन्स की तरफ से सीए सीरीज एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर रहेगा CA8500। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के बारे में हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम CA8500 इस एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। इस एम्पलीफायर का क्लास एच स्टेज 3 है। इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर 8 ओम पे ग्रेटर देन 800 है और ये एम्पलीफायर 6800 वाट का है। तो आइए इस एम्पलीफायर के बारे में हम जानते हैं। CA8500 इस एम्पलीफायर का आउटपुट पावर 8 ओम पे 1800 वाट पर चैनल, 4 ओम पे 3000 वाट पर चैनल और 2 ओम पे 3400 वाट पर चैनल है। और ब्रिज मोड में 8 ओम पे 6000 वाट और 4 ओम पे 6800 वाट आउटपुट मिलता है। SNR ग्रेटर देन 90 dB है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक है। इसका वजन 48.5 किलो है। यह है एम्पलीफायर का फ्रंट ग्रिल। इसका एयर फ्लो पीछे से आगे की तरफ होता है। इस एम्पलीफायर का हाइट जो है वो 3U है और साइड में जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स आपको एम्पलीफायर केस में फिटिंग करते समय ये यूज होंगे। इसकी रैक की जो साइज है वो 90 इंचेस है। चैनल ए का गेन नॉब, चैनल बी का गेन नॉब, चैनल ए और बी का सिग्नल LED इंडिकेटर, पावर ऑन ऑफ स्विच। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ एरोस का सिंबल लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है एरोस का ये एम्पलीफायर का CA8500 ये मॉडल नंबर है। और वैसे ही आप एम्पलीफायर के ऊपर की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं टॉप पैनल पे भी एरॉन्स इंडिया करके ब्रांडिंग की हुई है। ये है एम्पलीफायर का इंटरनल व्यू। इसमें अच्छी क्वालिटी का और हाई ग्रेड और हेवी ड्यूटी कॉपर ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस कैपेसिटर्स की वैल्यू जो है 80 वोल्ट 22000 MFD है और इसमें 12 कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं। इसमें हर एक चैनल के लिए 13 पेयर टोशीबा ब्रांड्स के ऑडियो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। यह है एम्पलीफायर का बैक पैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे है पावर कॉर्ड, फ्यूज, चैनल ए का XLR और P38 जैक इनपुट, चैनल बी का XLR और P38 जैक इनपुट, चैनल ए का स्पीक ऑन आउटपुट, चैनल ए का बाइंडिंग पोस्ट, चैनल बी का स्पीक ऑन आउटपुट, चैनल बी का बाइंडिंग पोस्ट। ब्रिज मोड यूज करते समय ब्रिज मोड में आउटपुट के लिए अलग से स्पीक ऑन आउटपुट दिया गया है। चैनल ए का क्रॉसओवर सिलेक्शन स्विच, चैनल ए का क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट नॉब, चैनल बी का क्रॉसओवर सिलेक्शन स्विच, चैनल बी का क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट नॉब, EQ प्रोसेसिंग ऑन ऑफ स्विच, मोड सिलेक्शन स्विच, सेंसिटिविटी सिलेक्शन स्विच, लिमिटर ऑन ऑफ स्विच, ग्राउंड ऑन ऑफ स्विच। तो आइए हम जानते हैं कि इस एम्पलीफायर का क्रॉसओवर सेक्शन कैसे यूज करना है। तो आइए हम जानते हैं कि CA8500 इस एम्पलीफायर का क्रॉसओवर सेक्शन कैसे यूज करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते कि हमने यहाँ पे चैनल ए और चैनल बी में XLR वायर कनेक्शन करके रखा है और स्पीक ऑन आउटपुट में हमने चैनल ए के लिए ये स्पीक ऑन आउटपुट यूज किया है, चैनल बी के लिए ये सेकेंड जो है स्पीक ऑन आउटपुट यूज किया है। हमने चैनल ए पे टॉप सेक्शन कनेक्ट किया हुआ है और चैनल बी पे सबवूफर का कनेक्शन किया हुआ है। चैनल ए पे हमने टॉप सेक्शन यूज किया, इसकी वजह से हम लोग ने जो यहाँ पे मोड सिलेक्शन स्विच में EQ लो कट ये मोड सिलेक्ट किया है, वो क्यों ये हम आपको बताते हैं। और चैनल बी में हम लोग ने जो है सबवूफर मोड सिलेक्ट किया है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये ऑफ मोड पे रखते हैं तो आपका एम्पलीफायर जो है वो फुल रेंज में बजेगा। आप सबवूफर मोड में रखते हो तो ये एम्पलीफायर आपको सबवूफर की फ्रीक्वेंसीज आपको आगे पुश करेगा। तो इसके लिए हम लोग ने चैनल बी पे सबवूफर लगाया है, कनेक्ट किया है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ये सबवूफर मोड सिलेक्ट किया है। और चैनल वन पे टॉप मोड जो है मतलब कि टॉप कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पे EQ लो कट जो है ये मोड सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये कैसे यूज करना है ये हम जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज लिखा है, इसमें आपको जो है हाई की फ्रीक्वेंसीज कट करने के लिए यहाँ पे ये नॉब दिया गया है और लो फ्रीक्वेंसी कट करने के लिए ये ऊपर का जो नॉब है वो दिया गया है। बेस के लिए आपको ये नॉब है, मतलब कि आपकी बेस की फ्रीक्वेंसीज है वो कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको
टॉप जी है वो प्ले करके दिखाते, आप सुन सकते कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। टॉप सेक्शन में हमको ये नॉब यूज होगा, कुछ इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। अभी हम सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं बिना फ्रीक्वेंसी कटिंग किए हुए। अभी हमने जो है यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी नॉब है ये हम लोग सॉन्ग प्ले रखते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी नॉब जो है हाई कट फ्रीक्वेंसी नॉब है ये हम लोग ओपन करते धीरे धीरे, आप सुन सकते कि क्या चेंजेस आ रहे हैं वो एक बार। ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग ने ये नॉब जो है ये जो फुली ओपन किया तो आपका जो जो टॉप सेक्शन है उसमें जो हाई और मिड बहुत जोर से जैसे कि लाउडली बजने लगे। तो इस तरह से इसके यूज करके आप अपना टॉप का जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डाउन कर देता हूँ पूरा। इसके ऊपर में जो है वो लो कट फ्रीक्वेंसी नॉब है, जो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टॉप में अगर आपको बेस चाहिए तो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 120 के ऊपर जाते हैं तो आपके टॉप में भी देखिए थोड़ा बेसी फील आता है। तो आप अपने हिसाब से टॉप को जो है वो सेट कर सकते हैं ये दो नॉब यूज करके। अभी मैं ये भी पूरा डाउन कर देता हूँ। अभी हम आते हैं चैनल बी की तरफ। चैनल बी में हमने जो है वो सबवूफर कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सबवूफर मोड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। सबवूफर मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मैं बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो लो कट फ्रीक्वेंसी नॉब जो है यही वर्क होगा, ये जो है नॉब ये वर्क नहीं होगा, ये ऊपर का नॉब जो है यही वर्क होगा। कुछ इस तरह से हम आपको करके दिखाते हैं। अभी हम ओनली सबवूफर प्ले करके दिखाते हैं आपको। ये आप सुन सकते हैं कि हमने अभी यहाँ पे जो है सबवूफर ऑन कर दिया है। अभी मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी कट करना शुरू कर देता हूँ, आपको रिजल्ट सुनाई देगा, आप सुन सकते हैं। आपने देखा कि हमने जब भी ये फ्रीक्वेंसी कट करना शुरू कर दिया तो हमने ये 140 के आसपास स्टॉप कर दिया, तो बेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली और वूमिंग की तरह आने लगा। तो इस तरह से आपको बेस जो है इस नॉब से सिलेक्ट करना है। कुछ इस तरह से आपको ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो मतलब कि क्रॉसओवर सेक्शन जो है वो यूज करना है। उसके नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ईक्यू प्रोसेसिंग है। ईक्यू प्रोसेसिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है बूस्ट लिखा है, ये बूस्ट पी जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगी कुछ इस तरह से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लाइट जो है ऑरेंज कलर में वो ऑन हो जाएंगी। ईक्यू सेक्शन ऑन करने के बाद आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हो उनको बूस्ट मिल जाता है, मतलब कि और वो अच्छे से क्लियरिफाई होके वो बजती है और जोर से बजती है। उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ये मोड सिलेक्शन स्विच है जिसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, स्टीरियो मोड, ब्रिज मोड और पैरेलल मोड, तो जिसमें आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं जैसे आपकी जरूरत रहेगी वैसी। उसके नीचे ही आपका सेंसिटिविटी सिलेक्शन स्विच, इसमें आप जो है आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जैसे चाहिए आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट में जो आपको मिल रहा है ये जो है लिमिटर स्विच, ये भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये ग्राउंड स्विच है, ये भी आप अभी हमने यहाँ पे ये ऑन रखा है, ये भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो है ये बैक पैनल इस एम्पलीफायर का यूज करना है।
ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।